हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स। हियर आई एम विकास कुमार बर्नवाल। यू आर वाचिंग टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी, स्टेट पीएससी, एसएससी एंड ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स बिफोर वी नो द सम इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ आवर कंट्री। सो चलते हैं, जानते हैं क्या है देश से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ। भारत सरकार ने रेलवे को आदेश दिया है कि 12 सितंबर से लगभग 40 जोड़ी नई ट्रेनें, विशेष ट्रेनें चलाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसका टिकट 10 सितंबर से मिलने लगेगा। उसके बाद वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालुओं का कोटा बढ़ा दिया गया है, जिसमें पहले लगभग 200 या 300 के आसपास था जो बाहरी श्रद्धालु आते थे देश के बाहर, अब 500 कर दिया गया है। उसके साथ ही जो भी मेडिकल उपकरण है भारत में, वो विदेशों से काफ़ी महंगे और उच्च दामों पे आते हैं, तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश में ही स्वदेशी इस्तेमाल करते हुए 50% सस्ता मेडिकल उपकरण, 50% सस्ता लागत वाला मेडिकल उपकरण का उत्पादन करने का बात रखा है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, और रिसर्च का जो मेन पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें जो भी खर्च है उसके लिए अलग से जितने भी IITs हैं या जितने भी शोध संस्थान हैं उनको अलग से एक बजट बनाने को कहा गया है, ताकि वो रिसर्च करके जो भी मेडिकल उपकरण है उसको बनाया जा सके। तो आगे देखते हैं क्या है आज का खास। ये थी तमाम तरह की देश से जुड़ी जानकारियाँ। आगे देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास। देखते हैं, पहला है क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद है आज का इतिहास, नेक्स्ट है मोटिवेशन लाइन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारा सेशन का, हमारे क्लास का ये गुरूर है, नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, और लास्ट जो है अबाउट द स्टेट्स। मैं पिछले 4 दिनों से स्टेट्स के जगह पे कुछ देशों के बारे में विस्तार से आपको बता रहा हूँ। मैंने आज तुर्की के बारे में बताया था, जब तुर्की की स्थिति कितनी ख़राब है, तुर्की लगातार चाइना के साथ मिल करके भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा है, तुर्की के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में कल मैंने 5 सितंबर को बताया था, तो आज हम लोग कुछ नए देश के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल सेरेमनी कर देश भर के कुल 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ सकता है कि राष्ट्रपति ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के रूप में, शिक्षक पुरस्कार के रूप में कितने शिक्षकों को दिया है पुरस्कार, तो 47 शिक्षकों को दिया गया है, जिसमें झारखंड बिहार के भी अच्छे खासे टीचर हैं, झारखंड के लगभग 3 से 4 हैं और बिहार के भी लगभग 4 शिक्षक हैं जिनको जो शामिल हैं इसमें। तो ये सेरेमनी हर साल शिक्षक दिवस के रूप में यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन शुभ अवसर पर ये इस तरह का आयोजन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार वर्चुअल सेरेमनी आयोजित किया गया था क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है उसको खत्म किया जा सके। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। आगे देखते हैं क्या है आज का इतिहास। आज ही के दिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी। तो 1939 में प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसी में दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1965 में के दिन भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बाद प्रतिशोध किया, जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होने का जो मुख्य कारण है वो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो पाकिस्तान का था उसके प्रतिशोध में ऐसा कदम भारत सरकार के द्वारा उठाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1803 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया था। तो हम लोगों ने बहुत सारे तत्व एलिमेंट का और उसका सिंबल के बारे में पढ़ा है, जैसे कार्बन Ca, नाइट्रोजन N, है ना, तो उनका एलिमेंट जो होते हैं उनका सिंबल जो होता है उसके बारे में डाल्टन
जॉन डाल्टन ने किया था 1803 में, तो आज ही के दिन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो ये था आज का इतिहास। आगे देखते हैं मोटिवेशन लाइन, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे, यदि आप संघर्ष करते हो आज के आज, इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमोरो, ये क्या करता है आपको मजबूती का विकास करता है, यानी आपको मजबूत बनाता है किसके लिए, जब आपको कल जब जरूरत पड़ेगी, कल आपको जो आवश्यकता पड़ेगी उस मेहनत का जिसने आपने आज किया है। यदि आप आज मेहनत करते हो, परीक्षा के लिए तैयारियां करते हो, त्याग देते हो और लगातार मेहनत करते हो, तो कल आपकी जो परीक्षाएं हैं, कल जो आपकी चुनौतियां हैं, उसको आप आसानी से पास कर सकते हो। जो वो एक लक्ष्मण रेखा जो है उसको आप आसानी से क्रॉस कर सकते हो, और जो आपकी मंजिल है उसको छूने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत ही अच्छा सुपर लाइन था, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमोरो। आगे देखते हैं आज का क्या है करंट अफेयर्स, जानते हैं बहुत ही खास है। चीन ने दोबारा उपयोग में लाया जा सकने वाला एक एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, जिसको सीक्रेट मिशन नाम दिया गया है। तो ये चीन जो है छिपाते हुए एक दोबारा उपयोग में लाया जा सकने वाला एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से कैदियों पर जारी किए गए हैं आंकड़े, जिसमें देश के हर कैदी पर रोज खर्च हो रहे हैं लगभग 118 रुपया। उसी के को देखते हुए और भी आंकड़े जारी किए गए हैं, लगभग 2019-20 में 5,958 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं साल 2019-20 में। कैदियों पर खर्च 2061 करोड़, इसमें सबसे ज़्यादा भोजन पर 48% खर्च हुए हैं। तो ये 48% जो है 2061 करोड़ जो है भोजन पे खर्च हुए हैं। तो सबसे अच्छा खर्च के मामले में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र सबसे आगे है, अव्वल राज्य है। तो नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने आरे कॉलोनी में 600 एकड़ भूमि को जंगल के रूप में शिक्षित करने की घोषणा की, यानी संरक्षित करने की घोषणा की है। यानी 600 एकड़ जो जमीन है आरे कॉलोनी में उसको जंगल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक सरकार वाटर सेड परियोजना के लिए विश्व बैंक से 600 करोड़ रुपए की ऋण सहायता लेने का निर्णय लिया है। तो ये वर्ल्ड बैंक जो 600 करोड़ रुपया कर्नाटक की जो सरकार है उसको देगी, किस लिए, वाटर सेड परियोजनाओं के लिए। पहले भी बहुत सारी योजनाओं के लिए वाटर सेड के लिए अलग अलग राज्यों को वर्ल्ड बैंक, ADB ने भी लोन दे रखा है। आगे देखते हैं, NTPC लिमिटेड, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, EMA, चाइनक बिजनेस सिमुलेशन गेम नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 का विजेता बना है। तो NTPC अच्छी खासी भारत की नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक भारत की संस्था या कंपनी है, जिसको बोल सकते हैं नवरत्न कंपनियां जो होती है उसमें से NTPC भी शामिल है, भारत ने नवरत्न कंपनियों में। तो इसने नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 का विजेता इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी फ्रांस के बाद इंडो पैसिफिक रणनीति में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपियन देश बना है। तो पहले कौन था, फ्रांस था, अब जर्मनी भी इंडो पैसिफिक रणनीति में शामिल होने वाला दूसरा यूरोपीय देश बना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट भारत सरकार ने अच्छे ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का पहला विशेष उत्पाद बाजार ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTEM जारी किया है, जिसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और उसका उत्पादन भी वैश्विक स्तर पर ग्लोबली किया जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की राजधानियों को वर्ष 2023 तक रेल संपर्क से जोड़ेगा। ये हम लोग पहले भी इसके बारे में कुछ बताया गया था, फिर से द्वारा रिपीट किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की राजधानी को वर्ष 2023 तक रेल संपर्क में जोड़ा जाएगा, यानी रेल की नक्शा उसमें मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की राजधानी को लाया जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के माध्यम से ये योजनाएँ चल रही है। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड जल्द ही रेलवे का इतिहास में, रेलवे के नक्शा में आ जाएगा और 2023 तक इसको आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे जो भी उत्तर पूर्वी राज्य है उसका विकास का खाका तैयार किया गया है और जल्द ही वो एक अच्छे राज्य में, एक विकसित राज्य में इसको इनको गिना जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर का करंट अफेयर्स। सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। G20 के बारे में बता दूं कि जो है ये G7 में जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं G20 में शामिल हैं। इसका ना कोई हेडक्वार्टर है ना ही इसका कोई ऐसा इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर बोल सकते हो या ऑफिस बोल सकते हो, नहीं है G20 का। और साथ ही साथ इसका जो स्थापना है 1999 में किया गया था। G7 के जितने भी मेंबर हैं कंट्री मेंबर सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं निजी स्पेस एजेंसी SpaceX ने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ 60 स्टार लिंक इंटरनेट उपग्रहों की को सफलतापूर्वक छोड़ा है। तो देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरी दुनिया बढ़ रही है और SpaceX जो है बहुत बड़ा नाम उभर कर स्पेस एजेंसी के रूप में उभरा है। इसने लगभग 60 स्टार लिंक इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक छोड़ा है। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो है गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनको उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां हैं जो आसानी से उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, उनके पास कैपिटल की कमी नहीं रहती और इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थी आज की top 10 करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं म्यांमार। म्यांमार के बारे में आप कुछ जानते हैं लेकिन और मैं विस्तार से बता दूँ, भारत का पड़ोसी राज्य देश है, सॉरी म्यांमार नेपी दाओ इसका कैपिटल है। प्रेसिडेंट जो है विन मियान थे, ये छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्टेट काउंसलर ऑंग सैन सू की है। करेंसी जो है यहाँ पे कयात चलती है, म्यांमार की करेंसी मुद्रा कयात है। फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट शेयर द बॉर्डर विथ म्यांमार, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यानी ये चार राज्यों से इसका बॉर्डर लगता है। कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट जो है उत्तर पूर्वी राज्य उसमें से इसका बॉर्डर लगता है। नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका सभी जानते हैं एक आइलैंड है ये, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड पर पाए जाते हैं। वहाँ के नए अभी राष्ट्रपति जो बने थे महिंद्रा राजपक्षे, वहाँ हाल ही में चुनाव हुआ था, वहाँ पे लगभग 150 से अधिक सीटें वहाँ की जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे या फिर प्राइम मिनिस्टर सॉरी उन्होंने जीता था। देखते हैं क्या है कैपिटल। कोलंबो, श्री जयवर्धना पूरा कोटे उसका कोलंबो का विस्तार से पूरा नाम है। करेंसी क्या? श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट क्या हैं? गोटाबाया राजपक्षे जो महिंदा राजपक्षे के बड़े भाई हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है अभी जीत करके आए हैं महिंदा राजपक्षे, जिन्होंने मंदिर में पूजा पाठ करके अपना शपथ ग्रहण किया था। वहाँ के चीफ जस्टिस जो है जयंथा जयसूर्या है। फिर श्रीलंका से भारत का अच्छा दोस्ती है। वहाँ पर चाइना ने जो वहाँ की एक आइलैंड है चबहार, नहीं एक और है कौन सा एक पोर्ट है, उसको कब्जा कर रखा है, वो काफ़ी चर्चा पे रहा था। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, कैसा रहा कमेंट करके बताएं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दें। सो थैंक यू वेरी मच, और प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।